उपाध्याय, बंगाल में चुनाव आया तो ममता ने डर वाला कार्ड खेल दिया है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी डराने लगी हैं। बंगाल को बाहरी लोगों से खतरा है, ये कहना है ममता दीदी का, और इसीलिए ममता बनर्जी ने बंगाल को बांटने की बड़ी साजिश कर दी। बंगाल में गैर बंगाली लोगों को धमकाया जा रहा है, उन पर हमले कराए जा रहे हैं, और इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी बताकर बंगाल की सियासत में बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड खेल दिया है। बंगाल में बीजेपी के समर्थन में बोलने पर खून बहाने की धमकी हो रही है। बंगाल में ममता साम दाम दंड भेद से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने पर लगातार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ममता की इस बार खींची गई लाइन उन्हीं पर भारी पड़ सकती है? क्या उनका बंगाली वर्सेस बाहरी का कार्ड उन्हें सत्ता से बेदखल कर सकता है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इसी पर मेरे साथ तमाम खास मेहमान होंगे और शुरू करेंगे शंखनाद। পগার পার করতে বলেছে ঠেঙ্গে, এটা গ্রামের ভাষা, ঠেঙ্গে পগার পার করে দেয়, সেটাই কাজ। क्या बंगाल में बाहरी आएगा तो मारा जाएगा? देखा आपने, सुना आपने, कैसे टीएमसी के नेता गैर बंगालियों को धमकी दे रहे हैं। बंगाल में अपनी सियासी जमीन खिसकते देखकर हर रैली में टीएमसी के छोटे से लेकर बड़े नेता यही कह रहे हैं कि बंगालियों का ही बंगाल है और सभी बाहरी हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में ममता की पार्टी में सेंध लगाई है, उसके बाद तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को डराना शुरू कर दिया है। इसीलिए बंगाल की तस्वीर बदल दी गई है। चुनाव दूर है लेकिन बंगाल जलने लगा है। राजनीतिक हिंसा की ऐसी तस्वीर आज तक देश ने नहीं देखी। बंगाल में जिस तरह से केसरिया लहरा रहा है, उससे ममता दीदी की बेचैनी बढ़ गई। ममता बनर्जी बाहरी कार्ड खेलकर डरा रही हैं कि आई तो बंगाल दंगों की आग में झुलस जाएगा। यही वजह है कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, और अब तो आम लोगों को भी ये चेतावनी दे दी गई है कि जो बाहरी है उसे पीट कर बाहर निकाल दें। इसीलिए शंखनाद पूछ रहा है ये सवाल, क्या बंगाली वर्सेस बाहरी से बंगाल बांटेंगी दीदी? इस वक्त तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे कराती हूं, उसके बाद शंखनाद को आगे बढ़ाएंगे। शाकिर अली जी टीएमसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका तिवरेवाल जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वो कमल दत्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवनीश बस्सी राजनीतिक विश्लेषक है इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए। शाकिर अली, खाली हो रही है पार्टी लेकिन बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड खेलने से नहीं बाज आ रही है ममता दीदी। कौन बोल दिया आपको कि बिहारी बंगाली हो रहा है? 150 शामिल हो गए, तस्वीर नजर आ रही है। देखिए हम लोग के टीएमसी पार्टी में शुद्धिकरण हो रहा है और होगा और भी होगा, घबराइए मत, हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं। हम लोग जिसे थूका है उनको चाटना है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शुद्धिकरण हो रहा है, हाँ शुद्धिकरण हो रहा है, और बाहरी बाहरी बताया जा रहा है आपको, खुलेआम अभी भी कह रहे हैं शाकिर अली बाहरी, ये बाहरी बनाम बंगाली का कार्ड खेलती नजर आ रही है ममता इस बार। और बंगाली और बिहारी जो बोल रहे हैं सुनिए, यहाँ छठ पूजा के लिए
दो दिन यहाँ पर बिहार बंगाल में छुट्टी दी जाती है छठ पूजा के लिए। मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जब से बाबुल सुप्रियो पहुंचे हैं पूजा अर्चना करने मंदिर में, तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहारियों का, मैं लौट रही हूँ सर, तस्वीरें छठ पूजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बाबुल सुप्रियो मंदिर में पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बंगाली वर्सेस बाहरी की एक तरफ बांटने की दीदी की कोशिश, और दूसरी ओर आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनवा बढ़ रहा है, और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, बाबुल सुप्रियो मंदिर पहुंच गए हैं दर्शन करने के लिए। सही बात बोले, हमने बाहरी की बात की, बिहारी की बात नहीं की, ठीक है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बाबुल सुप्रियो जी इस वक्त जी हिंदुस्तान पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत बाबुल सुप्रियो जी, जी हिंदुस्तान पर आपका सर बहुत स्वागत। सुनाई नहीं दे रहा, आपका लाइन कट गया। बाबुल सुप्रियो जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? बोलिए, जल्दी बोलिए। सीधे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी हिंदुस्तान पर, सबसे पहले आप देख रहे हैं बाबुल सुप्रियो जी इस वक्त हमारे साथ हैं, सर बहुत बहुत स्वागत जी हिंदुस्तान पर आपका। सर क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थैंक यू सर, पहला सवाल बिना देरी के पूछ रही हूँ, कॉन्फिडेंस तो बता रहा है कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद को कहाँ पा रही है, लेकिन फिर भी बाहरी जो बोल रहे हैं उनके लिए क्या जवाब है आपका? देखिए ममता बनर्जी अभी जो भी बातें कर रही है उसमें ना लॉजिक है, ना कॉन्फिडेंस है, ना लोगों का उनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस है। और अगर कल भी इस वक्त ममता बनर्जी की एक्सपायरी डेट जो है वो हो चुकी है, ममता बनर्जी की नहीं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। शी इज लिविंग ऑन बोरोड टाइम, हर पार्टी इज लिविंग ऑन बोरोड टाइम। और अगर कल
पुलिस का पुलिस जो अत्याचार कर रही है अगर वो बंद कर दिया जाए, अगर पुलिस का सहायता उनको नहीं मिले, पुलिस का दुरुपयोग अगर ना करे, अगर प्रशासन का आईपीएस ऑफिसर्स का आईएएस ऑफिसर्स का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं, अगर वो कल से बंद हो जाए और कल वोट हो तो भी इस बार जो है हम 100% 200 पार करेंगे। लोग हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जहां भी जा रहे हैं लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हमारे चारों तरफ रह रहे हैं और अमित शाह जी, नड्डा जी जैसे एक मजे हुए हमारे सीनियर नेताओं के मार्गदर्शन में हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सिर्फ आशा नहीं करते, हम बहुत कॉन्फिडेंट है। पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार डेफिनेटली केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है जैसी सरकार चल रही है उनकी निगरानी में पश्चिम बंगाल में एक अच्छा ईमानदार सरकार बनेगी 2021 में। सर बहुत कॉन्फिडेंस आपकी लैंग्वेज में दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। निश्चित तौर पर फिर आपने दोहरा दिया कि 200 पार करेंगे, ये बात आप लोकसभा चुनाव के बाद ही कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इसकी वजह समझना चाहूंगी सर। डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग जो है वही सबसे बड़ी ताकत होती है। डेमोक्रेसी का पिलर वही है। लोग जो हमें कह रहे हैं, हमें जो लोग मिल रहे हैं, लोगों से जो बातचीत हो रही है, आपको मालूम है ये कोई डायनेस्टी पार्टी नहीं है, ये कोई राजा कोई बैठा हुआ है दूसरे उसको आसानी से चेयर मिल जाए ऐसा पार्टी नहीं है। ग्रास रूट लेवल से लड़ते हुए ऊपर आते हुए लोगों की पार्टी है और लोग हमें जो कह रहे हैं, जो लोग हमें मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के ऊपर डेमोक्रेसी के ऊपर ममता बनर्जी ने प्रहार किया है उसी कॉन्फिडेंस से हम कह रहे हैं। हम अपनी कोई मत जो है इसके ऊपर, हमने इसके पहले 2016 में तो ऐसी बात नहीं की थी, इस बार हम कह रहे हैं क्योंकि इस बार हमें मालूम है। जैसे 2019 में जब माननीय अमित शाह जी उन्होंने कहा था कि 22 सीट हम जीतेंगे तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पे हमने मुस्कान दिखी थी, वो हम 18 सीट हम जीत के दिखा दिए और बहुत ही 5000 से भी कम मार्जिन में हम दो जगह में हार गए, नहीं तो हमारा नंबर जो है वो 20-21 तक पहुंच जाती, ये सबको मालूम है। और इस बार जो हम कह रहे हैं मार्केट सर्वे के बाद लोगों के साथ बात करके वही आंकड़ा आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। सर डेमोक्रेटिक कंट्री आपने बताया निश्चित तौर पर, लेकिन जो इस वक्त तस्वीर हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, क्या यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे इस स्थिति में? क्योंकि जहाँ राज्यपाल पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, राज्यपाल खुद इस बात की मांग कर रहे हैं। बहुत देखिए जो पार्टी की जो रुचि है, जिस पार्टी की जो नेत्री है, वो जिस तरीके का भाषा व्यवहार करते आए हैं हमारे संवैधानिक सारे पिलर्स पर, सारे नेशनल रेप्यूटेड एजेंसीज पर, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृहमंत्री के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, सब चीज़ के बारे में जिस तरीके का बयानबाजी और जिस तरीके का कटु शब्द का प्रयोग करते हैं ममता बनर्जी, तो उसी से जो है उनके अनुप्रेरणा जो शब्द वो यूज़ करती है, इंस्पिरेशन, उन्हीं की इंस्पिरेशन में उनके दल के जो गुंडे हैं, जो समाज विरोधी है, वही लोग इस तरीके का जो है दहशत चारों तरफ फैला रही है। लेकिन उनको मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में एक सशक्त सरकार है हमारे, बहुत ही मजे हुए हमारे होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी है। अगर कहीं पे भी डेमोक्रेसी को चूर्ण करने के लिए कोई भी प्रयास, इस तरीके का हिंसात्मक घटना घटा के अगर लोगों के दिमाग में वो डर पैदा करना चाहती है, तो जो संविधान जो ताकत देती है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है बंगाल में वही चीज़ें की जाएगी। निर्वाचन कमीशन जो हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, उन्होंने भी इसके पहले कह दिया है और आप देख रहे हैं कि इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जो है, हम कई बार कह चुके कि राष्ट्रपति शासन होने के लिए जो जो चीज़ में एक स्टेट को क्वालिफाई करना चाहिए वो सारे रॉन्ग चीज़ों में पश्चिम बंगाल क्वालिफाई करते हैं, लेकिन लोगों ने ममता बनर्जी को सरकार में लाई है, लोगों के वोट से उनको पश्चिम बंगाल से हम हटाएंगे, ये हमारा मकसद है। सर क्या शंखनाद किया आपने ढोल नगाड़े बजाकर अभी? सर एक सवाल है, जरूर जवाब देते जाइएगा। अभी जो आप नगाड़ा पूरे कॉन्फिडेंस से बजा रहे थे, पूरा देश वो तस्वीरें देख रहा है, क्या यहीं से शंखनाद कर दिया है आपने ढोल बजाकर माता का आशीर्वाद लेकर? नहीं, वो शंखनाद जो है माननीय गृहमंत्री नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जब उन्होंने जो हमारे बिहार की जीत के बाद उन्होंने जिस तरीके से बंगाल में जिस तरीके की हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, मौत के खेल
खेल के जो लोगों को दहशत में रखना चाहती है, डेमोक्रेसी की किलिंग करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जो बात उन्होंने कही थी, शंखनाद वहीं से बज गई है। अब वो शंखनाद जो है लोगों के मन में बज रही है, वो इंतजार कर रहा है कि 2021 आए और वो अपना डेमोक्रेटिक राइट्स को इम्प्लीमेंट करके ममता बनर्जी को याद करा दे। ये तो शंखनाद की वजह से इसी लोगों को साथ में रहने का, इतने बड़े ग्राउंड जो एकदम खचाखच भरे हुए थे, उसी खुशी का एक समझ लीजिए माँ के लिए ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड है। सर, गंगा सागर की यात्रा करनी पड़ रही है ममता बनर्जी को, कपिल आश्रम जा रही है, क्या मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति से सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड अपनाने पर मजबूर हो गई? करने दीजिए उनको, उनको जो करना है करने दीजिए। अब उनको मालूम है कि जो भी करना है, अभी बस डेढ़ दो महीने में जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो जो करना है करने दीजिए। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके नए नए अजीब अजीब सब जो है प्रकल्प लेके आ रही है, प्रॉमिसेस कर रही है, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उससे हट गई है। वो जो भी चाहे करे, भले गंगा सागर जाए या अरब सागर जाए या बंगोपसागर जाए, कहीं पर कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी पानी में तृणमूल कांग्रेस जो है डूबने वाली है और लोगों के वोट में डेमोक्रेसी में डूबने वाली है, कुछ होने वाला नहीं है। उनको करने दीजिए, उनकी अपनी इच्छा है, करने दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कोई तोड़ नहीं है ममता बनर्जी पर, इसीलिए विवेकानंद की याद आ जाती है अब उनको? सर, आखिरी सवाल मेरा, बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाबुल सुप्रियो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने देखा फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर कह दिया 200 जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका शंखनाद अमित शाह कर गए और उसी की एक झलक वो खुद यहां पर पेश कर रहे थे। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बाबुल सुप्रियो ने तमाम सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पर ये कह दिया चाहे कितनी भी ताकत लगा ली जाए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां पर भगवा लहराएगा, कोई नहीं रोक सकता, वहां पर 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। और ये देखिए मंदिर से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, साफ तौर पर कहा कि अब मजबूर हो गई है और इसीलिए गंगा सागर की यात्रा पर जाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने अब अनदेखी की, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो हिंदुत्व के तमाम प्रतीक क्यों न रहे हो, जिस तरीके से उन्होंने अनदेखी की उसका भुगतान कहीं भुगतना ना पड़े। और अब जो बदलाव की राजनीति पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखा रही है, वही वजह है कि अब ममता बनर्जी को अपनी राजनीति और अपनी सियासत की लकीर भी बदलनी पड़ रही है। मैं सीधे तौर पर प्रियंका जी आपके पास आ रहे हूं, बाबुल सुप्रियो के आपने सुना होगा कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था, लेकिन सवाल ये है इन तमाम कॉन्फिडेंस के बीच जो एक बड़ी चुनौती बाहरी बनाम बंगाली के आपके सामने पेश कर दी ममता ने, इसका तोड़ क्या होगा? देखिए ऐसा है, बंगाल की जो संस्कृति है उसको विभाजन के से आप नहीं तोड़ सकते, और टीएमसी आज ये जो कर रही है यहाँ की संस्कृति सभ्यता विरासत इन सब को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश है, और इसका बीड़ा टीएमसी ने उठा लिया है। आप आज देखिए बंगाल के कितने ही लोग जो है माइग्रेंट मजदूर कितनी सारी जगहों पर काम करते हैं, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, सभी प्रांतों में है, और आज बंगाल में ये ऐसी बात कहते हैं कि बाहर से कोई भी जो लोग है उनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे, तो ये कैसा संदेश पहुंचाता है पूरे भारतवर्ष में? विभाजन की राजनीति जो है ये इन्होंने पहले भी की है, हिंदू मुसलमान के साथ की और मुंह की खाई थी, और अब ये जो कर रहे हैं तो ये पूरा एक डेमोक्रेसी है इस देश में, कोई भी कहीं भी रह सकता है, आप कैसे किसी को बाहरी कह सकते हैं? जवाब में यहाँ का हम बाहरी हो गए? सुजाता मंडल जी जवाब दीजिए, अपने ही देश में कोई बाहरी कैसे हो सकता है? सुजाता मंडल जी देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आज ममता जी को ये दिखाने, मतलब ये लोग बोल रहा है भाजपा वाले कि ममता जी को इतना दिन वो दिखा दिया था कि वो से मुसलमान लोगों से प्यार करता है, लेकिन ममता जी तो सेंट पॉल्स कैथेड्रल में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, और सबसे बड़ी बात तारकेश्वर तारापीठ बाहरी कौन है ये तो बताइए, कपिल मुनि के आश्रम वो भी सजाया, तो ममता बनर्जी एक बाहरी, जो स्टेट की बाहर से आए हैं वो तो बाहरी होता है। सुनिए ममता बनर्जी हमारी वो देश का नहीं होता है क्या प्रियंका जी? ये 10 साल पीछे, 10 साल पहले यहाँ का, जरा पूछिए इनसे, सुनिए भाजपा का स्टेट में लीडर नहीं है, इसलिए बाहर से, मतलब बाहर स्टेट से लीडर को ले आने के लिए पड़ रहा है, एक ममता को हटाने के लिए बाहर से इतना सारा लीडर आ रहा है कि अभी तो पश्चिम बंगाल में लगता है भाजपा का एक भी लीडर काम किया ही नहीं,
इसलिए बाहर से लीडर को ले आना पड़ रहा है। और हमारा तृणमूल कांग्रेस में देखिए एक ही लीडर है, वो है ममता बनर्जी। पब्लिक कैसे विश्वास करेगी आप पर, ये बताइए। पहले तो आप ये बात छोड़ दीजिए कौन घर का है कौन बाहर का। पिछले 10 साल पहले ममता जी को पब्लिक भरोसा किया, 2011 में चीफ मिनिस्टर बनाया, 2016 में चीफ मिनिस्टर बनाया, और मैं आज आप लोगों के चैनल से बोल रही हूँ कि 2021 में भी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनेगा और पश्चिम बंगाल की जनगण उसके ऊपर ही उसका आशीर्वाद बन देगा। कोई बाहरी बाबू को नहीं देगा। कोशिश करे, हम भारतवर्ष में रहते हैं, सेक्युलर हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान पंजाबी बंगाली सभी धर्म के लोग रहते हैं, और कोई किसी को अगर भाजपा करता है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान में नहीं, हिंदुओं में भी भेदभाव करता है, इसलिए उच्च लोगों को देखता है। लेकिन हम जैसे जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पिछड़े वर्ग से आते हैं उन लोगों के लिए भाजपा का कुछ मतलब में कोई बेचैनी नहीं है। सर्वोपरि जी मैं पास आऊंगी, शाकिर अली अपने ही देश में कोई बाहरी कैसे हो सकता है? क्या पुराना कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? गुजरात में ये लोग बिहारी को भगाए हैं, और ये लोग पहले अपना जो है स्टैंड को क्लियर करें। दूसरी बात है, मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ, प्रियंका जी क्या हथियार उठा ली है? क्योंकि परसों दिलीप घोष क्या बनाया है, उसके लिए ब्राह्मण एक नियम है, ठाकुर एक नियम है, पिछड़े वर्ग का एक नियम है, भाजपा सिर्फ विभाजन की दास खेलता है। की बात करते हैं, मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूँ क्या वो हथियार उठाए हैं कि नहीं? उनका दिलीप घोष बोले हथियार उठाने के लिए, बंगाल का वातावरण खराब करने के लिए बाहर से आते हैं। ये बाबुल सुप्रियो जो अभी बीजेपी की मार्केटिंग कर रहे थे, ये बीजेपी की मार्केटिंग हो रही है, ये कोई भगवान की पूजा ईश्वर की पूजा नहीं हो रही है। प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव जैसे आप विवेक को चुपचाप देख रहे हैं ना, वैसे ही वहाँ पर हिंसक तस्वीरों को चुपचाप देख रहे हैं। क्या मजबूरी हो गई है अपने ही देश में बाहरी दोषारोपण समर्थन कर रहे हैं क्या? सुन रहा था आप, पहली चीज तो है कि प्रियंका जी से पहले पूछे तो बीजेपी की प्रवक्ता है, क्या हिंदू राष्ट्र बोगस कॉन्सेप्ट है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? और जैसा सेकुलर हमारा देश चल रहा है ये ठीक है? इनसे जरा एक ओपिनियन लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बंगाली परसेंट बाहरी, बिल्कुल बाहर की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका कोई एजेंडा नहीं है, आपके अपने कोई नेता नहीं है, आरएसएस ने वहां कोई ग्राउंडवर्क नहीं किया। अब आप वहां पे एंट्री करके जोर तोड़ की राजनीति से कभी मुगल को तोड़ते हैं, कभी आप शुभेंदु अधिकारी को तोड़ते हैं, कभी आप किसी और को लाते हैं, और जोर तोड़ की राजनीति करके पार्टी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और जिन लोगों को तोड़ा है बेंगल में रेगुलर डेली पैसेंजरी करना पड़ रहा है, पैसा बटा है जब तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नेता टूट करके इनकी तरफ आए। हरी फरोश की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति बंगाल के कल्चर में कभी नहीं थी। हम लोग लड़े, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, हम ममता बनर्जी के खिलाफ है, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे, वो गलत चीज है। लेकिन सांप्रदायिकता बंगाल के कल्चर का पार्ट नहीं था, सांप्रदायिकता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में कहीं है। प्रियंका जी मैं लौट रही हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं लौट रही हूँ, ठीक कराइए प्रियंका जी, मैं लौट रही हूँ, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा सा ठीक कराइए, मैं लौट रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है शुभेंदु और शोमेंदु के बाद टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, शिशिर अधिकारी शुभेंदु के पिता हैं और कांति सीट से सांसद है, ये बड़ी खबर देखिए। अधिकारी परिवार के लिए मैंने पहले ही कहा कि आपको समझना होगा। सुजाता मंडल जी क्या हो रहा है? हाँ बोलिए, क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं? बात कोई नहीं है, 150 शामिल हो गए, शुभेंदु जी के पिता भी शामिल हो रहे हैं। हाँ नहीं, एक साथ क्यों नहीं गया? मुझे तो ये सवाल है,
कि उन लोग एक साथ क्यों नहीं कूदे, पाचीर के ऊपर बैठे थे तो एक एक करके क्यों कूद रहा है, एक साथ तो कूद सकता है ना, पानी कितना गहरा है ये देखने के लिए पहले बेटा गया, उसके बाद और एक बेटा गया, उसके बाद बाप जा रहा है, आपके हिसाब से पानी सही है उनके लिए, ये पानी कितना गहरा है ये देखने के लिए क्या? प्रियंका जी मैं आ रही हूँ, और रमनी जी जो लग 10 साल से ये ममता बनर्जी की सरकार को तृणमूल कांग्रेस को लूट के खा के भोग करके आए, वो लोग अभी भाजपा दिखा रहा है, वो लोग लालची लोग है। अचानक आपको पता चला कि 10 साल तक लूट के खाए, यानी कि पहले से आप लोग लुटेरों को लेकर चल रहे थे, और मैं अचंभित नहीं हूँ क्योंकि आपकी पार्टी का तो नारा ही है कट 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 कट, तमाम जितनी सारी चीजें हैं वो तो लूट के तो बंगाल के खजाना को आप लोग आ गए। मैं माँ चामुंडा माँ की श्लोक से शुरू करता हूँ, टीएमसी उच्छे हो जाएगा 2021 में, 18 कमल तो खिला है 19 में, बाकी जो बचा हुआ है ना वो भी खिल जाएगा, और आपको देखना है कि आखिर में ये क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा बाहरी है वो जो बाहर से भाड़े में लाए हैं ना, प्रशांत किशोर जो बाहर से भाड़े में लाए हैं, प्रशांत किशोर वो सबसे बड़ा बाहरी है। आप लोगों के पास तो दो ही बाहरी है, एक प्रशांत किशोर और दूसरा है रोहिंगा, रोहिंगा उस पार से आओ, उस पार से तमाम जितने सारे बांग्लादेशी आज आओ, रेशन कार्ड लो, आधार कार्ड लो, वोटर कार्ड लो, ठप्पा मारो तृणमूल कांग्रेस पे, ये रही है दीदी की नीति और नियत, तो और ये चीज से बंगाल के जनता को कम से कम हो चुका है, बंगाल के जनता को समझ में आ गया ये चीजें, और इसीलिए आप लोग तड़ी पार कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीना और है, और एक एक करके भाग रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, ये हो सकता है कि आगे जाके दीदी आपके लिए, और हम लोग गाय की जोड़ी तो दीदी चलो रे, झारखंड चुनाव के प्रचारों के लिए अगर वो है, अगर उनका कोई एग्जिस्टेंस है तो नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी में फर्क होता है, ये फर्क वो समझ ले जरूरी है। फर्क समझिए रमनीश बस जी, प्रशांत किशोर जिनको पहचान दिया, क्या 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 अब कोई काउंटर नहीं है टीएमसी के पास, ममता दीदी के पास, जो हिंदुत्व तो जो राष्ट्रवाद का मुद्दा लगातार बीजेपी का आगे बढ़ रहा है और जो कुनवा बढ़ रहा है, टीएमसी टूट रही है, क्या इसका कोई काट नहीं है इनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी जी अब 2019 और 20 में ही इनको याद आ रही है, पुजारी के कभी ये छठ पूजा देखने चली जाती है, कभी ये दुर्गा पूजा में चली जाती है, दुर्गा पूजा मंडल है उसमें आप ये इनका दर्शन आप देख सकते हैं, ये सारे नियत इनकी जो नीति और नियत 2019 में ही याद आ रही, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, 2019 में दिखी और 2020 में दिखी, इसके पहले ममता दीदी कहाँ थी, इसके पहले माँ माटी और मानुष की बात क्यों नहीं याद आई, इसके पहले बारी की याद क्यों नहीं आई, अब बारी की याद क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं जो वोट की राजनीति ये जो शुरू से करती आ रही है ये ममता दीदी, अब इनको लग रहा है कि ये हमारे पैर से जो जमीन है खिसकने वाले हैं, और इसका आप नतीजा आप देख सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं चाहे उनके शिशिर अधिकारी, जिस दिन से माननीय गृह मंत्री गए अमित शाह जी उस दिन से आपने देखा ये दौर जो है लगातार चलता जा रहा है, यह लगातार चलता जा रहा है, और यह सिलसिला बढ़ा लेंगे, लेकिन अगर अपने ही देश का है तो बाहरी बता देंगे, और बाहरी जाएगा तुम्हारा भी जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठी आपको बाहरी नहीं नजर आता है, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आपको बाहरी नहीं नजर आता है, यूपी बिहार के लोग आपको बाहरी नजर आते हैं, यूपी बिहार के लोग बाहरी नजर आते हैं, यूपी बिहार के लोग बाहरी नजर आते हैं, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान जो एक सरदर्द बन चुका है बांग्लादेश घुसपैठी, एक सरदर्द बन चुका है जो हमारे देश के लिए, ये सुजाता जी क्या आपने इसके ऊपर सोचा कभी, आप लोगों की हमारी खुद बंगाल की जनता इससे त्रस्त है। प्रियंका, प्रियंका इसे जवाब लोगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है
बंगाल में तेज हो गई है सियासी बयानबाजी। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को कहा एक्सपायर्ड सीएम। जी हाँ, एक्स-सीएम कह दिया, यानी कि वो रिटायर्ड सीएम बता रहे हैं। कहा कि सीएम ममता बनर्जी राजनीतिक अस्तित्व संकट से गुजर रही है। बड़ी खबर इस वक्त, लोगों का उन पर विश्वास नहीं रहा है। प्रियंका जी, विश्वास खत्म हो गया क्या, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है? सुजाता मंडल और प्रियंका जी जवाब दीजिए। मैं तो कह रही हूँ, विश्वास तो खत्म होना ही है। इस विश्वास के खत्म होने का कारण क्या है? भाई भतीजावाद, भतीजा से बढ़कर के कोई इनको दिखा नहीं। शायद इसीलिए इसकी पार्टी में जितने भी डिजर्विंग नेता थे या जितने सीनियर नेता थे, वो एक एक करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि एकदम धृतराष्ट्र जैसे अपने बच्चे के मुंह में अंदर हो गया था। भाई महाभारत युद्ध हो गया था, हजारों लोग मर गए थे, वैसे ही इस मोहमाया में जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है, वो पूरे चैनल में उसी फिर से घर के लोग ममता बनर्जी हर टाइम चीफ मिनिस्टर बनेगा और टीएमसी का सच्चा हासिल होगा, उसमें कर सकता टीएमसी हासिल करेगा, और वो भी बंगाल की जनता की आशीर्वाद के ऊपर। और बाकी भाजपा वाले सपना देखते जाओ, सपना देखते जाओ, 200 बार नहीं, तुम 294 होने का सपना देखो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन अगले 21 विधानसभा में फिर से ममता जी को चीफ मिनिस्टर बनाएगा और टीएमसी को सत्ता हासिल कराएगा। ये आज आप लिख लो जी हिंदुस्तान के चैनल में, सुजाता मंडल ने बोल के गया। क्या वो नहीं मरे, या अब आपके टीएमसी में जाने से वे जीवित हो गए? बताइए मुझे, सुजाता मंडल कुमार का खून झूठ था, त्रिलोचन महतो का खून झूठ था, ममता जी फिर से सत्ता में आएगा। अरे जवाब तो दीजिए, इससे आगे बढ़िए, सवाल ये है सत्ता में आएगा नहीं, जनता तय करेगी, बनेगा, जनता को तय करने दीजिए ना, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैंने यहाँ किसी घोषणा के लिए डिबेट नहीं की, मेरा सवाल ये है कि क्या नहीं मानती कि सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही है ममता बनर्जी? कभी विपक्षी पार्टियों का झंडा उठाती थी और आज अपने ही घर छोड़कर जा रहे हैं, ये भारी का कार खेलना पड़ रहा है। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, ये भाजपा लोगों की कहने हुए है। पश्चिम बंगाल का जनता जनार्दन ममता दीदी को अपनी माँ मानती इसके है पहले, और फिर से इसके पहले लेफ्ट था, अब ये इसके पहले लेफ्ट, इसके बाद अब भाजपा आपको नजर आएगी। जब इनकी जमीन पूरी तरह से खिसक गई है तो भाजपा याद आ रही है, भाजपा याद आ रही है, और जो भी किया जा रहा है वो सारा सब कुछ भाजपा आपको दिख रहा है। आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं, जनता की अस्मिता को आपने ध्यान नहीं दिया। वहाँ पे 10 साल आपने कोई विकास के नाम पे आपने किया क्या? ममता दीदी ये कम से कम बता सकती है ना कि आपने विकास के लिए क्या किया? सुवेंदी अधिकारी जो पार्टी को इसने एक मुकाम दिया, जो टीएमसी को इतना बड़ा खड़ा किया, एक पार्टी को उन्होंने आयाम दिया, एक पहचान दी, इन्होंने एक मजबूती प्रदान किया, उन्हीं को आपने पार्टी से दरकिनार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। आज आप देख सकते हैं कि धीरे इनकी जो है ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला परिषद से लेकर के पंचायत से लेकर के सांसद हो, चाहे इनके विधायक गण हो, सारे के सारे जो लोग हैं खिसकते जा रहे हैं। क्यों खिसकने का कारण क्या है? कारण यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये जामुन और रसगुल्ला आपको खिलाता मंडल जी 21 में आप लोगों के करारी हार। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कमल जी कह रहे हैं कि 21 में करारी हार और इसीलिए बौखलाहट दिख रही है। इसीलिए बांग्लादेशी तो अपने हैं और अपना बाहरी बता दिया आपने, ये बाहरी बड़ा बंगाली का काम करने की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? इसी का जवाब दूंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में सियासी घमासान तेज हुआ, बीजेपी का दावा है वो आज टीएमसी का पर्दाफाश करेगी। रात 9 बजे टीएमसी का पर्दाफाश होगा। बीजेपी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा हुआ है, लोगों से नजर बनाए रखने की अपील। 9 बजे के लिए बड़ी चेतावनी दे दी है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, और थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है, म्यूजिकल अटैक भी किया गया है टीएमसी पर। रात 9 बजे बड़ा पर्दाफाश होगा। अब चिंता टीएमसी को करनी है कि ऐसा क्या होगा रात 9 बजे, क्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? प्रियंका तिवरेवाल जी, क्या करने वाली है ऐसी भारतीय जनता पार्टी? यहाँ पर सुजाता मंडल जी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए खबर सुनकर। भारतीय जनता पार्टी फेल होगी,
ये देश सेक्युलर था, सेक्युलर रहेगा। रुक जाइए, एकदम नहीं, 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 नहीं मैं तभी नहीं हंस रही थी, अभी भी हंस रही हूँ लक्ष्मी जी, आपका देखने का नजरिया बदल गया। मैं तभी भी हंस रही हूँ और अभी भी हंस रही हूँ। आप हंसोगे, आप अपने पार्टी को लेके हंसोगे। टीएमसी हंसी का पात्र तो नहीं बन रही है अपने ही देश में लोगों को बाहरी बताकर। बांग्लादेशी घुसपैठी आपको अपना नजर आता है और यूपी बिहार के लोग आपको बाहरी नजर आते हैं। ले जा रहा है क्या आपने कभी पश्चिम बंगाल की जनता जनार्दन ना 18 सीट जीता के बहुत गलती कर लिया। ये पश्चिम बंगाल का जनगण सोच रहा है भाजपा को 18 सीट जिता के लोकसभा में। आप निश्चिंत रहो लक्ष्मी जी, आपके चैनल में बैठकर निश्चिंत रहो। ये गलती जनता जनार्दन 21 की विधानसभा में नहीं करेगा। नतीजा देखने के लिए आप तैयार रहो भाजपा वाले, आप तैयार रहो। मुझे नतीजा पता है। आप अपने लोगों को बाहरी बतलाना छोड़ दीजिए। कीचड़ में कमल में कमल ही कमल खिलेगा, थोड़ा सा और धीरज धरिए। बिल्कुल मैं जवाब ले रही हूँ उसी बात का कि वो तो ये कह रही है सुजाता मंडल प्रियंका जी कि देखिए गलत सपना देखो, सपना देखो, सपना देखने में बहुत अच्छा लगता है। भी सपना देखते हो, सपना देखने में टैक्स भी सपना नहीं लगता है। और 21 के हार के बाद भी आप लोग सपना देखोगे देखते हुए, क्योंकि शाकिर अली जी कैसे चले गए। शाकिर अली जी दत्ता साहब दावा कर रहे हैं कमल खिल रहा है, ये सपना देखोगे 21 शाकिर अली के बाद। और आपके चैनल के माध्यम से सुजाता मंडल को शाकिर अली जी बोलिए हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मैडम, पहले ये बताइए कि आप लोग जी हिंदुस्तान पर डिबेट करवा रहे हैं या ग्लैमर शो करवा रहे हैं? अगर आप डिबेट करवा रहे हैं तो हम आपका हर उत्तर देंगे। आपको क्या लग रहा है सुजाता मंडल क्या करने बैठी है यहाँ? आप क्या करने बैठे हैं यहाँ? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, ग्लैमर शो हो रहा है। टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं। सुनिए, जो सर्टिफिकेट मुझे मत दीजिए सर, सर्टिफिकेट मत दीजिए। बोलना जानता है, अगर बोलने नहीं देंगे एक सेकंड बोलने नहीं देंगे। चार चार पर मत जवाब ले रही हूँ मैं आपसे। आप बोलिए बात करिए, मुख्यमंत्री क्या सवाल करना चाहते हैं? लक्ष्मी जी अभी अभी मैं आपसे पार्टी से कहीं भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बोलिए उठाने के लिए हथियार उठाएगा, हथियार उठाने के लिए निर्देश देगा जनता को बंगाल में? बात करते आप हथियार, आप बोलिए प्रियंका जी से, प्रियंका जी से क्या हथियार आपने उठा लिया? हथियार क्या उठा लिए आप? पार्टी में बंगाल का चेहरा नहीं है, इसीलिए बाहर के लोग आपके बंगाल के शाकिर अली जी आपके चैनल पे बैठ के क्या कहना चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाया जाए? आप किसका इंतजार करें? आप क्या चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाया जाए? एक सेकंड मैं चाहूंगी कि सब लोग एक सेकंड रुकें। शाकिर अली यहाँ पर सुजाता मंडल बैठी है, प्रियंका तिवरेवाल बैठी है, वो शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या यहाँ माफी मांगने की आपकी हिम्मत है? मार्केटिंग करते हैं आप लोग, माफी मांगने की हिम्मत है आपकी? माफी मांगिए पहले सर, इसको क्यों लाए थे? शाकिर अली माफी मांगिए, बौखलाइए, इस कदर मत भी कुछ ही बोल देंगे। शाकिर अली बौखलाहट में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है आपको। चुनाव प्रचार करने के लिए आप लोग क्या आपको बौखलाहट में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है? मैं आपको वही कह रही हूँ, बता दीजिए। ये डिबेट चैनल की डिबेट है, ये पश्चिम बंगाल की सियासत नहीं है कि यहाँ जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। धमकी दे देंगे कि अगर वोट बीजेपी को दिया तो खून बह जाएगा, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ यहाँ सबको फ्रीडम है बोलने की, यहाँ सबको फ्रीडम है बोलने की। और आपके अपने शब्दों पर जो अगर आपत्ति लगातार हो रही है, माफी मांगनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए आप। हम लोग आप अपने पक्ष में कुछ नहीं कर सकते शाकिर अली जी, आप अपने पक्ष में बात रखने के लिए तो कुछ है नहीं, बात रखने के लिए कुछ पक्ष नहीं है। आपने विकास तो किया नहीं, आपने आपने विकास क्या किया है?
आपने 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 दिखा दिया असली चेहरा टीएमसी ने अपना असली चेहरा दिखाया है। यही आप बंगाल की जनता के साथ करते हैं, यही आप बंगाल की जनता के साथ आप करते हैं। रुकिए जरा, वैली के लिए माफी मांगिए। शाकिर अली आपने माफी मांगी है नेता, एक सेकंड रुकिए जरा। आप बंगाल की जनता के साथ ऐसे ही करते होंगे। पार्टी के नेता के ऐसे बयान पर की नहीं हुई, जवाब दीजिए मुझे। बोलिए, देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि खून खराबा का राजनीति और धमकी की राजनीति बंद हो। भाजपा की प्रेसिडेंट बंदूक उठाने के लिए बात कर रहे हैं, कोई किसी को खून भरने का बात कर रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल में एक जनता के बोल रही हूँ, ये खून खराबा का राजनीति, ये धमकी का राजनीति बंद होना चाहिए। बीजेपी के 300 कार्यकर्ता, आरएसएस के जो कार्यकर्ता मारे जाते हैं, उस समय आपको ध्यान आता है क्या? उस समय आपको खून खराबा याद आता है क्या? एक सेकंड सर, उन्होंने समर्थन, शाकिर अली का समर्थन कर रहे हैं क्या? यहाँ बैठ कर आप मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए मैं किसी को समर्थन या विरोध के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि खून खराबा धमकी का राजनीति बंद हो वेस्ट बंगाल में। कोई बोल रहा है खून बहेगा, कोई बोल रहा है बंदूक चलाओ, ये ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा कल्चरल स्टेट है, उस कल्चरल स्टेट में ब्लड की राजनीति कहाँ से आ गई? वहाँ की संस्कृति सबको पता है, बंगाल बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यह बात शाकिर अली को मानना चाहिए, हम बात को रख रहे हैं जिसमें विकास बात को रखते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप दंगा करवाना चाहते हैं क्या? आप मुस्लिम हिंदू, आप लेफ्ट विचारधारा को जो सामने लाता है, लेफ्ट के नेता, आप देखिए टीएमसी ने क्या किया? आरएसएस को लोगों को मारना, वहाँ पे पीटना, वहाँ पे गृह मंत्री जाते हैं उनके ऊपर पत्थर फेंकना, यही सब तो आप करते आ रहे हैं। आपने 10 साल क्या किया है? आपने क्या किया? पार्टी की नेता सुजाता मंडल भी आपसे कह रही है कि आपके शब्दों पर आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। मैं बोलना चाहती हूँ जी कि बंदूक उठाना, बंदूक उठाओ सत्ता हासिल करने के लिए, खून बहाओ, ये एकदम ठीक नहीं है। जो लोग बोलता है कि बंदूक उठाओ, आप अपने वो भी तो ठीक नहीं है। लक्ष्मी जी समझाइए ना, कहीं दीदी अकेले ना रह जाए, दीदी कहीं अकेले ना रह जाए, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा था, दीदी कहीं अकेले ना रह जाए। ऐसी टीएमसी की हालत हो गई है, गुंडे गुंडे की राजनीति जो आप कर रहे हैं, इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आप देखेंगे जो नतीजे जो मिलेंगे कुछ ऐसे ही मिलेंगे। किसको नसीहत दे रही है ये प्रियंका जी? सत्ता तो आपकी है सुजाता मंडल। बोलिए किसको नसीहत दे रही है? बंदूक अगर उठ रही है आपकी सत्ता में तो और क्या क्या बोलना है? सुनिए सुनिए, ममता जी को फिर से सत्ता हासिल करने के लिए कोई बंदूक की भी जरूरत नहीं है, कोई खून की नदियां भी जरूरत नहीं है। वो लोगों का दिल जीत के फिर से सत्ता में आएगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, बंगाल जैसा कल्चरल स्टेट में ये खून खराबा, बंदूक या धमकी का राजनीति टोटली बंद होना चाहिए। ये मैं एक जनता होके बोल रही हूँ। बांग्लादेश के लोग तो आते हैं, और जो लोग सपना देख रहे हैं 200 पार करेगा, वो लोगों को सपना देखने के लिए बोलिए। भाजपा के लोग सपना देखते जाए और हम लोग पार्टी के शाकिर अली ने पार्टी को एक्सपोज कर दिया, कितनी आजादी वहाँ की जनता को, उन्होंने सही चेहरा दिखाया, उन्होंने खुद दिखा दिया, सही चेहरा दिखाया, मंजूर नहीं है बाकी लोगों का बोलना, एटलीस्ट आपका भी मंजूर नहीं है, आप तो उसी पार्टी से अच्छी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप सभी का डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकती, और इसी बहस के बाद सिर्फ 10 मिनट बाद में आपके साथ जुड़ूंगी, इसी बहस पर हम चर्चा करेंगे। फेसबुक पेज पर आप मेरे साथ जुड़े, जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर मैं आपके साथ जुड़ूंगी, आप
आप ही मेरे पैनलिस्ट होंगे, आपके सवालों पर बात होगी, हम मिलकर उनके जवाब तलाशेंगे और 10 मिनट बाद मेरे साथ जरूर जुड़िएगा जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर। और अब आपको एक और बात बता दूं कि आज शाम 6 बजे और शाम 7 बजे तक लगातार खास कार्यक्रम आप देखेंगे। शाम 6 बजे देखिए देश को जवाब दो, टुकड़े टुकड़े गैंग ने आखिर आंदोलन के टुकड़े कर दिए। सवाल एक और है, ठीक 7 बजे देखिए 4 तारीख को क्या आंदोलन खत्म होगा, फाइनल फैसले का काउंटडाउन क्या शुरू हो गया है, लगातार देखते रहिए जी हिंदुस्तान। नमस्कार। किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े किसने किया, 36 घंटे पहले सबसे बड़े खात पर देखिए मेरे साथ देश को जवाब दो, शाम 5:54 पर सिर्फ जी हिंदुस्तान। हिंदुओं से ममता का छल, बंगाल में ठोक तंत्र, गुनहगार कौन, ममता की जिन्ना नीति, बंगाल बर्बाद, कोरोना पर विश्व विजय, हिंद हमारा आज शाम 7:57 पर वंदे मातरम मेरे साथ। सच्चा हिंदू देशद्रोही नहीं हो सकता, मैं सरफराज सैफी आपको बताऊंगा क्यों तिलमिला गए ओवैसी। देखिए राष्ट्रवाद 8:57 में मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुस्तान पर।